প্রজেক্টস প্রজেক্টস প্রজেক্টস, আজ এই প্রজেক্ট, আজ ও প্রজেক্ট, আজ ইংলিশ প্রজেক্ট, আজ ইভিএস প্রজেক্ট, আজ ম্যাথস প্রজেক্ট, আজ কম্পিউটার প্রজেক্ট, নেভার এন্ডিং। আজকাল তো বচ্চো কো আয়ে দিন কিতনে সারে প্রজেক্টস মিলতে রেতে হ্যায়। তো মে মদার্স কি কন্ডিশন সমঝ সকতি হুঁ, ক্যোঁকি মদার্স কো হমেশা ওয়াহি লাগতা হ্যায় কি বচ্চো সে আখির প্রজেক্টস হম বনওয়ায়ে ক্যাসে, অর ও ভি বচ্চে ইন্টারেস্ট লেনে চাইয়ে প্রজেক্টস মে, এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ও প্রজেক্টস সুন্দর ভি দিখনে চাইয়ে, ক্যোঁকি কম সে কম সময় মে বনে অর জ্যাদা খরচা ভি না আয়ে। তো ইন সারে সওয়ালো কে জবাব হ্যায় হামারে পাস, ক্যোঁকি আপকো বিলকুল টেনশন লেনে কি জরুরত নেই হ্যায়, হম ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वीडियोस लेकर आते हैं जहाँ पे हम शेयर करते हैं आपके साथ बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिनमें आप सीखते भी हैं और प्लस आप प्रोजेक्ट्स बना भी सकते हैं बड़ी आसानी से, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से, जो कि आसानी से आपको घर पे मिल जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीश द एक्सप्लोरर। तो आज ऐसे ही एक और सुंदर प्रोजेक्ट के साथ हम आए हैं जो कि कम से कम मटेरियल में बन जाएगा और वो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं और यकीन मानिए इसमें बहुत कम खर्चा आता है। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखकर डरिए मत कि ये बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें बहुत खर्चा आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे आइडियाज आप हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं या करते रहते हैं जिससे आपका वर्कलोड बिल्कुल कम हो जाता है और बहुत कम समय में आप ऐसे सुंदर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, तो देखते हैं आज का हमारा प्रोजेक्ट है वेदर व्हील पे। तो ये वेदर व्हील हमने कैसे बनाया, तो जैसे कि हमने कहा था कि कम से कम चीज़ों से, दैट इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ों से हम ये बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, उसके लिए हमने लिया है ये थर्माकोल का प्लेट जो कि एक्चुअली बैन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पड़े थे तो हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं क्योंकि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट है हमारा। अगर आपके पास ऐसे प्लेट्स नहीं हैं तो पेपर प्लेट का भी आप यूज़ ले सकते हैं। उसमें आपको दो पेपर प्लेट्स अगर साथ में आप ज्वाइन कर लेंगे तो उसकी स्टिफनेस अच्छी हो जाएगी। एंड सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपसे कहूँ तो केक शॉप्स पे जो केक बोर्ड्स मिलते हैं ना राउंड शेप के, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बेस पेपर प्लेट या थर्माकोल प्लेट की जगह पे। तो आपको कितने इंचेस का वो चाहिए सर्कल या बोर्ड, तो आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे 7 इंचेस या फिर 8 इंचेस, 9 इंचेस, वो आपकी चॉइस है जितने इंचेस का बोर्ड आपको यूज़ करना है। तो ये देखिए, तो ये हमारा है बेस जो कि हमने लिया था थर्माकोल प्लेट। उसके बाद ये देखिए, इस तरह के आपको प्रिंटआउट्स लेने हैं। क्या कीजिए आप, गूगल पे तो बहुत कुछ हमें अवेलेबल होते हैं ऐसे पिक्चर्स वगैरह। तो गूगल पे जाइए, अपनी फेवरेट जो भी इमेज आपको पसंद है, जिस तरह की पसंद है, आप वो निकालिए। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आपको पता है प्रिंटर से कैसे इसे फ़ोटो पेपर पे हमने निकाला हुआ है, तो आप भी फ़ोटो पेपर पे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है प्रिंटर तो फिर आप किसी भी जेरोक्स वाली शॉप या फिर प्रिंटिंग शॉप्स पे जाके आप ऐसे उनसे इमेजेस निकलवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट जाएगी ऑलमोस्ट अराउंड 20 रुपीज़ तक पड़ेगी आपको, 20 एंड प्लस माइनस होगा डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है क्योंकि अगर आप हाथ से एक एक चीज़ें बनाएंगे ना तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। अगर आप ऐसे देखें तो ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है प्रिंट, तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है एंड फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, ऐसा तो मानना है हमारा। फिर भी सबकी अपनी चॉइस है। और ये देखिए, हमने एरो की जगह इसका इस्तेमाल किया है, इस पॉइंटर का। तो इस पॉइंटर को हमने क्या किया है, इसे ये देखिए, इसका भी हमने प्रिंटआउट निकाला था और फिर कटर की हेल्प से, ये देखिए ऐसे कटर्स आते हैं, तो ऐसे कटर्स की हेल्प से हमने इसे कट किया है। इसका सेंटर पोर्शन आपको निकाल देना है और ये देखिए आपका पॉइंटर या फिर एरो ये तैयार हो जाएगा। हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं कि इसको कैसे लगाना है और इसका एक्चुअली यूज़ क्या है, तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस हम हमेशा लेते आते हैं हमारे चैनल पर। तो ये देखिए, मीनवाइल हम इसे चिपकाते हैं।
उसे स्टिक करने के बाद इस तरह से दिखेगा। और बिलीव मी गाइस, आप अगर ऐसे डिजिटल मेथड से आप कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। वो आप देख सकते हैं इतनी परफेक्शन जब हम हाथों से बनाते हैं ना, वैसा नहीं आता है बिल्कुल भी। जितना लुक ऐसा प्रीटी दिखता है, प्रोजेक्ट हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ बनता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़े स्मार्ट तरीके से अगर बनाएंगे तो फिर आप भी इंजॉय करेंगे और उसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग ड्राई होने देंगे। तो ड्राई होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। हम आपसे ना एक हिंट शेयर करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एरो बना सकते हैं एक छोटे से कार्डबोर्ड के पीस पे। लेकिन हमने यहाँ लिया हुआ है पॉइंटर का कंसेप्ट, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगा हमें, इससे प्रोजेक्ट और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आपका प्रिंटआउट है, जो भी आपके ट्रायंगल्स, आपके जितने भी ट्रायंगल्स आप बन रहे हैं, जितने कॉलम्स बन रहे हैं, तो उनकी आपको एक की साइज़ मेजर करनी है और उस साइज़ से 10-15% ज़्यादा आपको ऐसा एक प्रिंटआउट निकालना है, वो होगा आपका पॉइंटर। और ये भी हमने फ़ोटो पेपर पे ही लिया है, लेकिन उसके बाद उस फ़ोटो पेपर को हमने एक कार्डबोर्ड पे स्टिक किया है ताकि एक स्टिफनेस या एक फर्मनेस मिले इस पॉइंटर को। और फिर जैसे कि हमने बताया था कि एक कटर की हेल्प से आपको इसे फिनिशिंग के साथ कट करना है। आप देख सकते हैं इसको ट्रायंगल शेप में हमने कट किया है, तो आपको ऐसे कर्व देने की कोई नीड नहीं है। आप आसानी से ऐसे तीन साइड्स फिनिशिंग के साथ कट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये जो पॉइंटर है इस पर आपने एक होल बनाना है। एंड वन मोर थिंग, इसको अटैच करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं रिवेट पिंस के, जिसका इमेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपके पास रिवेट पिंस नहीं है, ये मिल जाते हैं स्टेशनरी शॉप्स पे, लेकिन जस्ट इन केस नहीं हो, क्योंकि हमारे पास भी नहीं है, तो इसका भी एक जुगाड़ हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, आपके पास ऐसे कोई भी छोटे से इयररिंग्स होंगे, सबके पास रहते ही हैं, और उसमें आपको ऐसे एक पुशबैक भी रहता है जो कि सिलिकॉन का है, आप जैसे देख सकते हैं। तो आप इससे भी बड़ी आसानी से इस पॉइंटर को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन क्या है, हमारा पॉइंटर इस तरह से रोटेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास रिवेट पिंस नहीं है तो आप ये इंडियन जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सेंटर में ऐसे ये करना है, एंड सेम थिंग आपको इस तरह से होल यहाँ सेंटर में भी करना है और फिर इन दोनों को अटैच करना है इस तरह से। ये पहले इसे, उसके बाद इसे जॉइन करेंगे और पीछे से इस पेज को आप अटैच कर दीजिए, लगा दीजिए, उसे एक अच्छे से आप फिट कर दीजिए ताकि वो निकल नहीं जाए। और ये देखिए हमारा पॉइंटर। तो ये देखिए, जब आप पूछेंगे अपने बच्चों से आज का वेदर क्या है, तो सपोज़ जैसे कि आज का वेदर है रेनी, तो बच्चा ऐसे पॉइंटर से आपको दिखा सकता है टुडेज वेदर, जो कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे टुडेज वेदर। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है वेदर व्हील का। तो इस तरह से आपका बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये एक्चुअली स्कूल का ही प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद जैसे ये पॉइंटर आपने अटैच कर दिया, उसके बाद हम इन पे लेबलिंग करेंगे, जैसे कि ये है क्लाउडी वेदर, सनी वेदर, रेनी, स्टॉमी, स्नोवी एंड विंडी। तो ऐसे लेबलिंग करेंगे तो हमारा फाइनल ये फिनिश हो जाएगा। एंड एंड में जैसे कि ये देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं रुकेगा। तो इसके लिए इसका भी एक ट्रिक है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, कोई भी बॉटल का आप ऐसे कैप ले लीजिए और उसे यूं कवर कर दीजिए, तो इस ग्लू गन की हेल्प से। तो उससे क्या होगा, ये देखिए आपके प्रोजेक्ट को एक स्टिफनेस मिलेगी। तो देखिए ऐसे कटिंग्स लेकर, ऐसे अलग अलग कलर्स के कटिंग्स अब हम लेबल करेंगे।
तो इनको हम डबल साइडेड टेप के साथ स्टिक करेंगे। ये देखिए इस तरह के कटिंग्स, इससे हम फाइनल फिनिशिंग देंगे अपने प्रोजेक्ट को। Here you go. So, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कितना सुंदर लग रहा है अब फाइनल फिनिशिंग के बाद। और देखिए बड़ी आसानी से बन गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और एंड रिजल्ट एकदम बढ़िया। तो आप भी ऐसे आइडियाज ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिए। हमारे और भी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, व्लॉग वीडियोज़ हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ हैं, सो ऑल इन वन।